Hey guys, a very, very warm welcome to the session. I'm Ankana, your master teacher for social sciences at Vidyanta, hoping all my dear bachchas are doing absolutely amazing. Do tell me in the chat box what's up, people, and how are you doing, guys? Aaj hum lekar ke aaye hain hamara 8th session of India Size and Location NCERT Solution Series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 6 पे दिए हुए टेक्सचुअल एक्सरसाइज के प्रोजेक्ट और एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपने बाकी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डू गो एंड वॉच दैट अंडर द नेम ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो तो आज शुरू करने के पहले मैं क्विकली आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। गाइज, आपको पता है कि आपके जितने सारे डाउट्स हैं, नोट्स का प्रॉब्लम है और टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, ऑल ऑफ दीज इश्यूज ऑफ लैंग्वेजेस कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, कभी दिन में क्लास चाहिए, कभी शाम को क्लास चाहिए, कभी लेट इवनिंग क्लास चाहिए, ये सब शेड्यूल का अलग लोड रहता है और भी कभी सुबह स्कूल की क्लासेस हैं, कभी कोचिंग क्लासेस हैं, तो ऐसे में भाई बहुत पंगा पड़ जा रहा है बच्चों को, हमें पता है। तो हमने इसको आपको इन सब का सोल्यूशन दे दिया है और ये सोल्यूशन दिया बहुत सारे बोनसेस के साथ, सारी अनलिमिटेड एक तो क्लासेस मिलेंगी, सारी मिलेंगी लाइव, उसके बाद मिलेंगे आपको इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, फिर आपको मिलेगा क्या, पर्सनलाइज्ड अटेंशन। बिल्कुल हर एक टीचर पर्सनलाइज्ड अटेंशन देगा, हर एक मास्टर टीचर आपकी बात सुनेगा, सुनेगी, एंड ऑल द क्लास टीचर्स विल आल्सो हेल्प यू इन रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। और लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, बच्चा तुरंत तुरंत परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेगी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये सब कहाँ पे होगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड भी है कॉमेंट सेक्शन में, आप दोनों में से कहीं पर भी उस लिंक पर जाइए। और क्या करना है, लिंक पे जा करके सारा प्रोसेस फॉलो करना है, अपना ग्रेड चूज कर लो, अपना बोर्ड चूज कर लो, सारी डिटेल्स वहाँ पे चेकआउट कर लो। 3 ऑप्शन मिलती हैं, 1 मंथ, 6 मंथ्स और 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का, जो भी आपको बेस्ट लगे अपने लिए वो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बस एक मज़ेदार जो है जैकपॉट हिट करने का तरीका बता रही हूँ, वो है KANKPRO। ये कोड जैसे ही आप लगाओगे आप जैकपॉट हिट करोगे, क्योंकि अप टू 20% ऑफ डिस्काउंट आपको मिलेगा हर एक प्लान पे। तो जहाँ भी जो भी कोड लगाओ, जहाँ भी जो भी सब्सक्रिप्शन लो बच्चा, ये कोड फटाफट लगा देना, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 का। फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टे। बच्चा ये एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, हर एक जने के लिए ये इसका जवाब अलग होगा, करेक्ट। उसके लिए मैं आपको सिर्फ कुछ हिंट्स दे देती हूँ, आप जो चीज़ें यूज कर सकते हो, और उन्हीं चीज़ों को यूज करके मैं जहाँ अभी हूँ कर्नाटका में, बैंगलोर के लिए कर्नाटका लिया है मैंने, उसके लिए मैंने कैसे फाइंड किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या कुछ तरीके हैं, तो आप एटलस यूज कर लो, वहां पे थोड़ा बहुत जो मेजरमेंट दिया है उसके बेसिस पे जो स्केलिंग की रहती है आप अपना डिग्रीज का मेजरमेंट लगा सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेशियो। मैथ्स अच्छी होनी पड़ेगी, ये थोड़ा पंगा है, मेरी मैथ्स तो ठीक है, ठीक है। और दूसरा है इंटरनेट, इंटरनेट पे सीदा गूगल करो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दैट, इट्स अ फन एक्टिविटी, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। उसके बाद नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लो टू गेट द एग्जैक्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ योर स्टेट। ग्रिड बना लो, ठीक है। ग्रिड जब बनाओगे हर एक 15-15 डिग्री के बाद आपको समझ आएगा, अच्छा ये तो लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये यहाँ से यहाँ है, तो ये यहाँ पे ये होना चाहिए, ये बहुत क्लियर हो जाएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। डिग्रीज आर रिटन आउटसाइड एवरी मैप, आप अगर मैप पे भी मार्किंग कर रहे हो हर एक मैप पे डिग्रीज लिखी होती हैं, आप ऊपर में देखोगे हमारे बुक्स में भी जो दी हुई है उस पिक्चर पे छोटी 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 डिग्रीज ऊपर मैंशन होती हैं, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इन सब चीज़ों को यूज करके यू कैन ईजिली डू इट, ओके। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कर्नाटका का, तो भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 11° 30' नॉर्थ एंड 18° 30' नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, गाइज ये थोड़ा स्विच हो गया है, ठीक है, इट्स अ मिस्टेक, दिस इज द लॉन्गी लैटिट्यूडनल, नो नो दिस इज राइट, आई एम सॉरी, आई कीप गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ओके। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 74 degrees ईस्ट एंड 78° 30' ईस्ट, ठीक है, ये कर्नाटका का एक्सटेंट हो गया। अब इसके साथ मूव करते हैं अगले सवाल पे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिल्क रूट, ऑल्सो फाइंड आउट द न्यू डेवलपमेंट्स विच आर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन रूट्स इन द रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो आप देखो सिल्क रूट क्यों बना था, कहाँ से बना था, क्या कनेक्ट करता था, ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ।
सिल्क जैसा कि नाम है, तो यहाँ से सिल्क ट्रांसफर होता था। कहाँ से? चाइना से। चाइना जो है बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया करती थी। अब उसको एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो उसको अलग अलग जगह भेजती थी। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला था, बिल्कुल ऐसे इंडिया के ऊपर से होते हुए, थोड़ा अफगानिस्तान से होते हुए, सेंट्रल एशिया, यूरोप, उधर उधर कहीं पर लोगों की तरफ कनेक्ट करने का एक रास्ता निकाला था। ठीक है, इसी रास्ते को हम कहते हैं सिल्क रूट। आप देखते हैं कि क्या क्या एडवांस, मतलब क्या क्या प्रोग्रेस हुए, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो चाइना प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। इट एक्सपोर्टेड सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू अ लैंड रूट। दिस रूट वॉज कॉल्ड सिल्क रूट। कैमल्स वर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिल्क। द ट्रेडर्स वर कॉल्ड सौदागर्स। ओके, आपने सुना हुआ होगा कि सौदागर्स बहुत मूवीज में भी गाने बने हुए। इट्स बेसिकली अ वर्ड फॉर ट्रेडर्स, पीपल हु जस्ट कम विजिट फॉर ट्रेडिंग एंड देन गो अवे। ओके, दे कैरीड सिल्क ऑन द बैक ऑफ द कैमल्स एंड किल्ड सौदागर्स ट्रेडर्स। अनदर रीजन्स वॉज द सौदागर्स ट्रेडर्स डाइड ऑफ हीट एंड थर्स्ट ऑल्सो। ओके, न्यू डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, सो मोटरेबल रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नाउ। यू कैन हैव मल्टीपल व्हीकल्स गो थ्रू दीज रोड्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन्स, टेलेक्स, मोबाइल टेलीफोन्स एंड सैटेलाइट फोन्स हैव बीन डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड इन दीज रीजन्स। रेलवे लाइन्स आर ऑल्सो बींग लेड थ्रू द टनल्स, ब्रिजेस एंड केव्स। शिपिंग सर्विसेज एंड एयर सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैव बीन डेवलप्ड। With this, guys, we have come to the end of today's session. क्या छोटा सा बहुत सही session है, discuss हो चुके हैं सारे question and answers. इसी बात पे फटाफट हिट कर दीजिए like button. Do not forget to subscribe to the channel. And do tell me in the comment section, guys, how did you like the video? Do not forget to share with your friends if they also need the NCERT solutions. Go help them out. And I will see you guys in the next session with more question and answers, more solutions of NCERT questions. And exercises. And till then, stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye, people.